हिरनखेड़ा जो है, यानी जो मेरे दादाजी बताते थे कि यहाँ महाभारत कालीन राजा विराट का नगर था ये। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें, पुराने साक्ष्य या अवशेष आज भी हमें मिलते हैं कि पांडवों की जो कुलदेवी है, पांडवों ने जहाँ जहाँ निवास किया है उन्होंने अपनी कुलदेवी की स्थापना की है। तो यहाँ आज भी रेणुका माता का स्थान है। हम साल भर में जब चैत्र की चतुर्दशी आती है तो हम रेणुका माता की पूजन करने जाते हैं। तो हमारे यहाँ रेणुका माता का स्थान है। बहुत पुरातन काल का तालाब था, कम से कम 100-150 एकड़ क्षेत्रफल का तालाब था, जो यानी पूरे मध्य प्रांत में बड़े तालाबों में आता था। अनुपम मिश्र जी ने खरे हैं तालाब जो बुक है उसमें भी हिरणखेड़ा के तालाब का जिक्र है कि हिरणखेड़ा। अच्छा, हिरणखेड़ा में तालाब के किनारे द्रौपदी का पूजन करना, पुरानी मूर्तियां थी उस सबके भी मिलते हैं हमें साक्ष्य। इसके अलावा बहुत सारे पेड़ों पे, जो पुराने पेड़ होते थे हमारे, उन पे महाभारत कालीन हथियार रखे हुए थे। तो ये बाद में गोंडवाना क्षेत्र हो गया, तो यहाँ आदिवासी भाई लोग जो होते थे तो उनपे उनकी पूजन करने लगे थे वो हथियारों की। जैसे हमारे खेत के पास एक चोर बड़ करके होता था, वो बहुत पुराना स्थान था, हजारों वर्ष पुराना पेड़, बरगद का पेड़ होता था, बहुत लंबे चौड़े एरिया में होता था। और उस पे भी ऐसा बोला जाता था कि पांडवों ने अपने हथियार छुपाए थे, वहाँ अज्ञातवास में पांडवों ने अपने हथियार छुपाए थे। इसी का एक जिक्र आता है बीच में कि जब राजा विराट के नगर में 1 साल का अज्ञातवास काट रहे थे और पांडव अलग अलग वेशभूषे में थे, तो राजा विराट का जो साला था कीचक, उसने द्रौपदी के ऊपर अपनी नजर खराब की थी, तो भीम ने उसको दंडित किया और उसको मारा था। तो वो कीचक वध का भी एक टीला होता है, उसको आज भी बोलते हैं कि कीचक वध का टीला है। इसके अलावा एक हमारे यहाँ मोहल्ले को गढ़ीपुरा बोला जाता था, तो उसको गढ़ी जो है वो एक्चुअल में अस्तबल यानी घोड़े बांधने की जगह होती थी, पुराने घुड़साल जो होती थी राजा महाराजाओं की, वो तो वो आज भी उसको गढ़ीपुरा बोला जाता है, वो पुराने साक्ष्य वहां मिलते हैं। इसके बाद एक कम से कम 40-50 एकड़ का एक बड़ा सा ग्राउंड था, उसको रण बोलते हैं। आज भी आप किसी से पूछेंगे तो वो कहाँ जाना, उन्होंने कहा रण में जाना। तो रण यानी युद्ध भूमि क्षेत्र। तो काफी दिनों तक तो उस पर खेती नहीं होती थी। पहले लोग जब हल बखर से खेती करते थे तो हल चलाते थे तो हल टूट जाता था, और ज्यादा अगर हम खुदाई करते थे वहां तो हड्डियां निकलती थी, युद्ध अवशेष निकलते थे, कहीं रथ का कुछ पहिया निकल रहा है, कहीं कुछ ऐसा निकल रहा है। फिर बाद में खैर जब ट्रैक्टर युग आने आया और वो सब चीजें, तो उस पर खेती होने लगी है, पर बहुत दिनों तक वो पड़त भूमि रही और उस पर खेती यानी वो एक ग्राउंड मैदान होता था, पड़त मैदान, और उसको रण बोला जाता था। तो ऐसे बहुत सारे चीजें यहाँ पांडव कालीन मिलती हैं। जबकि आजू बाजू के क्षेत्र में देखा जाए तो उतनी विशेषताएं नहीं मिलेंगी जितनी आपको हिरणखेड़ा मिल रही है। और आप एक बात का विश्वास नहीं करेंगे कि आज भी इस भूमि में क्रांतिकारी तत्व है। 1920-22 के दशक में माखनलाल जी ने यहाँ एक आवासीय स्कूल खोला, सेवा सदन विद्या मंदिर करके था हिरणखेड़ा। और कर्मवीर में भी मेरे पास कुछ फोटोज भी हैं कर्मवीर के, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामना दी, और वो 1922 के दशक का पेपर था। माखनलाल जी अपने चारों भाई रामदयाल चतुर्वेदी, हरिशंकर चतुर्वेदी माखनलाल जी, और एक छोटे और उनके भाई थे, उनके साथ उन्होंने यहाँ स्कूल खोला। और स्कूल बहुत फेमस स्कूल था पहले, स्कूल उसको वो चूंकि वो मैट्रिक तक हुआ करता था तो उसको इंटरमीडिएट कॉलेज बोला जाता था पहले, यानी अगर मैट्रिक है तो उसको कॉलेज बोलते थे। उस स्कूल की विशेषताएं थी कि जो मल्टी ग्रेन जो आज हम खाते हैं, तो ऐसे 7 प्रकार के अनाज से रोटियां बनना, और फिर शुद्ध उनकी गौशाला से जो घी आता था उससे घी निकलता था, उसमें आधे घंटे तक रोटियां डूबी रहते हैं, और फिर वो बच्चों को परोसा जाता था। बड़े बड़े लोगों के बच्चे तत्कालीन, यानी कोई ग्वालियर रियासत के कोई महाराज मुनीम या जो भी रहे होंगे बड़े सेठ लोग, उनके बच्चे, और ऐसे एक ब्रजलाल वर्मा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी बने, वो भी यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। और इसके बाद एक बहुत बड़े प्रसिद्ध वकील हुए रायपुर में, वो भी यहाँ से, उनकी बेटी की से हमने चर्चा की थी, वो भी आजकल बड़ी वकील हैं, उन्होंने डायरी उपलब्ध कराई थी। ये सब चीज़ें हमें उन्हीं के माध्यम से हमें पता चली हैं कि माखन दादा की कर्मस्थली भी हिरणखेड़ा रही है।
आज भी माखन दादा का जो स्कूल था उसको आज भी हम स्वराज के नाम से, जैसे आप गांव में कहीं भी पूछेंगे कि कहाँ जाना है आपको, स्वराज पे जाना है, तो वो आपको तालाब के सामने वाला एरिया बता देगा। वो आज भी स्वराज के नाम से फेमस है वो जगह, कि आपको कहाँ जाना है, स्वराज पे जाना, तो वो स्वराज पे पहुंचा देगा आपको। माखन दादा जब शिक्षित करने लगे, क्या परिस्थितियां रही, अंग्रेजों को वो सब चीजें थी अच्छी नहीं लगती थी। दादा ने अपनी एकमात्र रचना में हिरणखेड़ा का जिक्र किया है, हिम किरीटनी जो है उसमें दादा ने हिरणखेड़ा डाला है। तो अंग्रेजों ने जमींदार के माध्यम से दादा को परेशान करने चालू कर दिया, स्कूल बंद करने का दबाव आ गया, और फिर आखिर में दादा यहाँ से हिरणखेड़ा से चले गए, स्कूल बंद हो गया। आर्कियोलॉजी के जो नागपुर जोन था, जिसमें दो तीन स्टेट का एक जोन होता है, उसके महानिदेशक रहे हैं हमारे यहाँ से डॉक्टर अरुण सोनकिया जी। उन्होंने एक प्रसिद्ध खोज की थी कि हम पूरी दुनिया मानती थी कि मानव का सभ्यता का इतिहास 1 लाख वर्ष पुराना है। उन्होंने नर्मदा घाटी पे एक मानव यानी खोपड़ी का खोज की थी, मानव संग्रहालय है, अरुण सोनकिया जी का खोज को वहां रखा हुआ यानी बताया गया है और डिस्क्राइब किया गया है। कई बार सोनकिया जी से भी इस मामले में बात हुई थी, वो तो खुद महानिदेशक थे, उनको बताया भी था। अब क्या परिस्थितियां रही कि कोशिश तो मैंने बहुत यानी मेरे पहले पीढ़ियों ने की है कि भाई यहाँ हो, ये सब चीजें दिखती थी कि हड्डियां मिलती थी, वो सब है, तालाब है, तालाब पे भी बहुत सारे हो जाते, एक बड़ी बात होती है। ये सब चीजें तो हम मान सकते हैं कि वो थे। एक किंवदंती का भी यहाँ से जुड़ाव है। दिवाली पे हम चाहे दूसरे स्टेट में हो फिर विदेश में हो, हर व्यक्ति को होता है, हिंदू संस्कृत धर्म में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है, और हम अपने घर लौटते हैं दिवाली पे, जरूर अपने घर जाते हैं। हमारे यहाँ हिरणखेड़ा तालाब, तालाब के बीच में एक टापू है, छिंदवाड़ा, सिवनी जिला और बैतूल जिले के बड़ी संख्या में जो गोपालक या आदिवासी जो गाय पालन का व्यवसाय है, गोली ग्वाल समाज बोलते हैं, जिनका मूल धंधा यानी पशु पालन होता है, वो लोग दिवाली के 5-10 दिन पहले से हमारे तालाब पे आने लगते हैं, और 20 तालाब में वो लोग पूजन करते हैं, और रात भर यानी बांसुरी बजाना, और यानी दिवाली की रात खास होती है उस त्योहार की, कि पूरे पारंपरिक रूप से वो अपने वस्त्र पहनते हैं, नृत्य करते हैं और बांसुरी बजाते हैं, और जो लोक संगीत होते हैं वो करते हैं। और इसके बाद सुबह सुबह एक होता है कि यानी चिड़िया भी पानी नहीं पीती है, तब उसके पहले 4 बजे 3 बजे रात को उठ के वो तालाब का जल भर लेते हैं। जब मैंने इस संबंध में उनसे चर्चा करनी तो क्या है ऐसा मान्यता, तो वो बताते हैं कि संसार में गाय नहीं थी सबसे पहले, एक कोई बहुत पुराने युगों की बात है कि इस यहाँ जब गोवंशी जो भी हो, गोवंशी कह रहा है, जो भी राजा का राज होगा तो उसने अपने का उसमें तप किया था, कि अकाल पड़ा था उस टाइम, तो तप किया, तो अगर किसी ने बोला कि अगर गो गाय आ जाए इस पृथ्वी पे तो इतनी ये सब चीजें नहीं रहेगी, कृषि उन्नत हो जाएगी और अकाल भी दुर्भिक्ष भी शांत हो जाएगा। उन्होंने तपस्या की, गोलोक गए गो प्राप्ति के लिए, वहाँ एक उनकी परीक्षा हुई, वो सब ये अपने लोक संगीत में यानी जो वो है उसमें बताते हैं, गीतों में बताते हैं, कि वहाँ उनको एक सड़ा हुआ दही दिया गया, कि आप ये तो गाय का तो गोमूत्र भी और गोबर भी और सब चीज पूजनीय है, तो कैसे आप उसको करेंगे, तो उन्होंने सड़े हुए दही को अपने बड़ी बड़ी मूंछों के सहारे, वो एक निमित्त मात्र था कि गाय यहाँ से निकली है अच्छी, बोलते हैं मालवा की जो प्रसिद्ध गाय गो सुरई गाय होती थी वो निकली है, वो हमारे पास में एक घाट नर्मदा घाट को हम गऊ घाट बोलते हैं, तो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि गाय निकल के नर्मदा पान करने गई थी, तो इसलिए उस घाट का नाम गऊ घाट पड़ा है। वहाँ और भी कथाएं हैं जो उससे रिलेटेड, यानी किंवदंती को हकीकतों से जोड़ने वाली बातें हैं कि वो बताते हैं। तो आज भी जो गोली ग्वाल समाज के हैं वो लोग यहाँ 5-10 दिन आके अलग अलग आते हैं, कम से कम 1,000-1,500 की संख्या में आते हैं, और हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो बोले हमको इस जल से, इस तालाब के जल से बहुत फायदा लगता है, तीर्थ क्षेत्र टाइप का है हमारे यहाँ, और जब भी कभी कोई बीमार हो जाता है, पशु बीमार हो जाता है, तो बोले हम जल छिड़कते हैं और हमको फायदा लगता है। तो ऐसा यानी ऐतिहासिक महत्व का भी ये गाँव है।
राकेश मालवी जी, वो अभी विकास संवाद में बहुत अच्छे पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने अच्छे आयाम स्थापित किए हैं। शिव नारायण गौड़ जी हैं, और एक एक चंपालाल कुशवाहा जी हैं, वो अभी टीचर हैं, वो भी बहुत अच्छे रचनात्मक सोच वाले हैं। हिरणखेड़ा, जैसा कि साथी आशु ने बताया कि वो जमीन रही है जिसका महाभारत से संबंध रहा है। महाभारत के बाद में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तक आते आते उसके कई सारी कहानियां हैं, किस्से हैं, और जो पिछले लगभग 2,500 साल का इतिहास है वो हिरणखेड़ा में महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। खास बात यह है कि आने वाली पीढ़ी भी उस इतिहास, उस क्रांतिकारी धारा, उस रचनात्मकता को बहुत मजबूती से थामे हुए है। आशु उसमें से एक हिस्सा है। इनके साथ भी और कई लोगों से हमने यहाँ बात की है। ये कहानियां लगातार आप तक पहुंचेंगी। हम कोशिश करेंगे कि हिरणखेड़ा एक बार फिर आए और जिन कहानियों का जिक्र, ये इतनी बड़ी जमीन है जिसकी कहानियां एक बार में दर्ज नहीं की जा सकती हैं, यहाँ के साथ ही अपने ढंग से कर रहे हैं, आप भी इसमें योगदान दें। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर बताएं। हिरणखेड़ा की कहानी को सुनकर आपको क्या याद आता है ये जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।